कीपिंग सेफ कोरोना के टाइम में. सिंस कोरोना यू ऑल गाइज नो हैज अफेक्टेड एवरी सेक्टर, जिसमें से एजुकेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट. तो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स. एंड उसी तरह सीएसएस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, या पीएमएस, जो 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 भी इस तरह के एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए सीपीआई इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट इंक्लूड एन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म. स्टार्टिंग अप विद द प्रेजेंटेशन आई स्विच टू द स्लाइड्स. आई होप आप सबको स्लाइड जो है वो विजिबल है. सो आई विल बी टीचिंग यू गाइज जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोर्स. टू बिगिन विद द कोर्स फॉर्मली, फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम नस्ट एंड आई हैव हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ गेटिंग अ सिल्वर मेडल ड्यूरिंग माई स्टडीज. उसके अलावा पहले से जो मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज वगैरह है, दैट इज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज के पी एस, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड. एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई स्टडीज आई हैव ऑल्सो अचीव मल्टीपल हाई अचीवर्स अवार्ड इन नस्ट, एज वेल एज प्रीवियसली आई हैव बीन अ टॉपर इन माई स्कूल एंड कॉलेज एज वेल. एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर इन Mari Petroleum. और आई हैव बीन in link with CSS ki studies wagaira from quite some time now. So I have like a vast background of sciences. A brief overview of the course, since a lot of students jo hain unko pata hi nahi hota ki is course ka syllabus kya hai ya paper pattern kya hai ya kis tarah se jo hai aapka exam aayega. To coming to what is GSA, scope kya hai GSA ka aur importance kya hai GSA ki. GSA is आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोर्स, जिसके अंदर सारे आपके जो साइंसेस के कोर्सेज हैं उनका थोड़ा 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 पोर्शन आ जाता है. जैसे हम लोग सिक्स सेवन्थ क्लास में कहीं पढ़ते होते थे कि थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन है, थोड़ा सा फिजिक्स का पोर्शन है, थोड़ा सा जो है वो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिर देयर इज कंप्यूटर्स, आपका मैथ आ जाता है इसके अंदर, आपकी जो जनरल एबिलिटी है वो आ जाती है. GSA is one of the six compulsory courses of CSS. और इसके अंदर क्या है कि आप इजीली जो है वो 60-80 मार्क्स से ऊपर ले सकते हैं. उसकी वजह ये है कि सिंस इट्स अ साइंस सब्जेक्ट, तो इसके जो पिन पॉइंट आंसर्स हैं, अगर वो आंसर आपको सही है तो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, गिवन द फैक्ट कि आपका आपने सही तरह उसको प्रेजेंट भी किया हुआ है. एक और चीज में ये है कि जीएसए में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी समझते हैं कि अच्छा हमें तो साइंस है, आसान है, आती है, तो दे डोंट फोकस ऑन दिस कोर्स उस तरीके से, एंड दैट्स व्हाई वो इसी चीज में मार खाते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा साइंस पढ़ी नहीं होती, तो उनको वैसे ही इस कोर्स में जो है वो फोकस करने की जरूरत है. उसके अलावा ये है कि ये आपका एक पॉइंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है. वैसे तो पास होने के लिए आपको पता है कि 40 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और लेकिन ये है कि अगर आप इस कोर्स में ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, जो कि पॉसिबल है, तो यू कैन प्रॉब्ली गेट एलोकेटेड इन अ बेटर ग्रुप इवेंचुअली, जब आप अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करते हैं. तो दैट्स वाई इस कोर्स में स्कोर करना जो है वो थोड़ा सा वैसे भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. उसके बाद कमिंग ऑन टू द सिलेबस ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी. अब जो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोर्स है, इसकी दो डिविजन है. एक आपका आ जाता है जनरल साइंसेस का कोर्स, और एक आ जाता है आपका जनरल एबिलिटी का कोर्स. इसके अंदर जो आपके पास जनरल साइंसेस का कोर्स है, दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, एंड जो आपका जनरल एबिलिटी का कोर्स है, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स. जो जनरल साइंसेज में आगे डिवीजन है, उसके अंदर 20 मार्क्स के आपके जो है वो एमसीक्यूज हो जाते हैं, और जो 40 मार्क्स हैं वो आपके आ जाते हैं सब्जेक्टिव के. इसके अंदर आप जो जनरल साइंसेज है, उसके अंदर आपका आ जाता है फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल, फूड साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड ऑन द अदर हैंड जनरल एबिलिटी में आ जाते हैं आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और साथ में मेंटल एबिलिटीज.
कमिंग ऑन टू द पेपर पैटर्न, कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या चॉइस होगी, तो दिस इज अ पेपर फ्रॉम 2020. इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. इससे पहले वाला जो पार्ट है, पार्ट वन, वो आपके एमसीक्यूज का होगा और ये जो है आपका सब्जेक्टिव का पार्ट है. अब इसके अंदर से आपने क्या करना है कि टू क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम ईच पार्ट. पार्ट ए में आपको चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से आपने कोई से भी दो करने हैं, और सेक्शन बी में आपको तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपने कोई से, उसमें से भी आपने दो ही करने हैं. तो टोटल मिला के आपने चार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से ये है कि जब आपका पेपर स्टार्ट होता है तो इट्स प्रेफर्ड कि आप एबिलिटी वाला जो मैथ का पोर्शन है उसको पहले कर ले, क्योंकि या तो वो आता है या वो नहीं आता. तो उसके अंदर ये है कि आपका टाइम बच जाता है, जल्दी से ही अटेम्प्ट हो जाते हैं. अगर आप पहले अपना साइंस का पोर्शन करना शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड पे आपको उस तरह से फोकस करने का टाइम नहीं मिलता है एबिलिटी के पोर्शन के लिए. उसके बाद जो आज के टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे फॉर दिस डेमो लेक्चर, those would be constituents of universe और इसका structure and average. ये topics इसलिए choose किए गए हैं so that आपके आपको एक idea हो जाए कि किस तरह से जो है वो course पढ़ाया जाएगा और course में किस तरह से हम लोग आगे proceed करेंगे. subject planner जो है वो कुछ इस तरह से है आपका के general science के जो course जो आपके पांच मेजर कोर्सेज हैं, पहले जो तीन है फिजिकल बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल साइंसेस, उनके तीन तीन लेक्चर्स होंगे, और जो आपके फूड साइंसेस का कोर्स है उसके दो लेक्चर्स होंगे, और एक के दो लेक्चर में हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे. लास्ट जो 6 to 7 लेक्चर्स होंगे वो आपके जनरल एबिलिटी के होंगे, गिविंग 2 लेक्चर्स टू ईच ऑफ द टॉपिक. और इसके अलावा एक से दो लेक्चर हम अलग से कंडक्ट करा लेंगे जिसके अंदर आपकी असेसमेंट वगैरह होगी. असेसमेंट वैसे आप लोगों की चलती रहेगी और आप लोग कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस सीपीआई इंस्टीट्यूशन, के आप के लिए हमने ये एक इंटरेक्टिव जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप लोग, ये नहीं है कि एक टीचर और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इट्स मोर लाइक कि आप बैठ के इकट्ठे ग्रुप स्टडी कर रहे हो. तो यू गाइज कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. We are available 24/7 जब भी आपको कोई इश्यू हो. एंड उसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा दो एक या दो घंटे की क्लास है उसके बाद खत्म हो गया, ये दो घंटे का सेशन, दो महीने का सेशन है उसके बाद खत्म हो गया. यू गाइज कैन ऑलवेज कम बैक आफ्टर दैट इज वेल, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता इंशाल्लाह. खैर इसके ऊपर हम बाद में आएंगे. आई स्विच ओवर टू द लेक्चर नाउ. I hope आप लोगों को वाइट बोर्ड क्लियर है. Kindly comment section में भी mention कर दें अगर कोई इश्यू आ रहा है आप लोगों को वर्ड से रिलेटेड या वीडियो क्लियर नहीं है. अच्छा थैंक यू. तो स्टार्टिंग फाइनली विद द लेक्चर, आपका जो सबसे बेसिक पहला फिजिकल साइंसेस का जो टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है यूनिवर्स. ठीक है, अब सबसे बेसिक इसमें पहली चीज क्या आएगी जी, यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है. यूनिवर्स, अगर आप में से किसी को यूनिवर्स की डेफिनेशन पता है या यू गाइस नो, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करें. अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि जी कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स स्टार्स एंड मून्स है, बट दैट इज रॉन्ग. तो क्योंकि इट्स मोर देन दैट, इसके अंदर आपके पास जो मेन मेन चीजें आती हैं बेसिक, वो आपने लिखना है मास प्लस एनर्जी प्लस टाइम एंड स्पेस. तो इन आप लोगों की डेफिनेशन को इस तरह से होगी कि यूनिवर्स इज द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, और टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स. ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन. बट एज ह्यूमन बींग आप लोगों ने कभी ना कभी, यू गाइज माइट हैव वंडर्ड के यूनिवर्स हाउ डिड इट केम इनटू बीइंग, यूनिवर्स की क्रिएशन किस तरह से हुई.
तो आप लोग तो इसके अंदर काफी सारी वैसे तो थ्योरीज हैं, लेकिन वन ऑफ द थ्योरीज को बहुत ज्यादा जो है वो जिसके ऊपर जो है हमारे बिलीव है या जिसको साइंटिस्ट जो है वो सही मानते हैं, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी. सो इट इज अ प्रिटी कॉमन नेम. या तो आपने इसको एक टीवी सीजन के शो के नाम के नाम में सुना होगा, या वैसे कभी कभी ना कभी आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना हुआ होगा, आई बिलीव. नाउ ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? अब क्या करते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, कहीं ना कहीं से जो है ना वो स्टार्ट लेना ही लेना है आपने. फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये एक जो है वो पानी के लिए जोक होता है कि अच्छा पहले अंडा आए या पहले मुर्गी आए, तो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट? तो क्या है कि सबसे पहले एवरीथिंग वाज अ सिंगुलैरिटी. अब ये सिंगुलैरिटी क्या है? इट इज अ सिंगल पॉइंट जिसके अंदर आपकी सारा मास और सारी एनर्जी इस एक सिंगल पॉइंट के अंदर फोकस थी, ठीक है? अब इस सिंगल पॉइंट में क्या हुआ कि ड्यू टू सम रीजन एन इम्बेलेंस ऑफ फोर्सेस वाज क्रिएटेड एंड यूनिवर्स एक्सपैंडेड, ठीक है? अब आपके पास क्या आया कि इम्बेलेंस ऑफ फोर्सेस है दैट क्रिएटेड यूनिवर्स और दैट रिजल्टेड इन एक्सपेंशन. अच्छा, अब ये जो एक्सपेंशन है दिस वॉज एन एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन. अब दिस एक्सपेंशन वॉज सो फास्ट के लोगों को लगता है, वैसे नाम से भी लगता है दैट मे बी इट वॉज एन एक्सप्लोजन, बट आप लोगों ने ये याद रखना है कि कभी भी इसको एक्सप्लोजन नहीं रखना, इसको आप लोगों ने हमेशा एक्सपेंशन कहना है. आपके पास एमसीक्यूज में भी आएगा तब भी आप लोगों ने एक्सपेंशन चूज करना है, एक्सप्लोजन नहीं चूज करना. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसकी एग्जाम्पल जो है वो एक बलून की तरह है. कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बलून होता है ना, यू स्टार्ट ब्लोइंग इट, और इफ यू कीप ब्लोइंग इट तो क्या होता है कि इंक्रीज करता रहता है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा बट विद इन अ कंटेन्ड बाउंड्री. इसकी जो बाउंड्री है ये सॉरी उसकी जो बाउंड्री है दैट इज डिफाइंड, ठीक है? उस बाउंड्री से बाहर सब कुछ नहीं जाएगा. और क्या होगा कि पहले सिंस एक जगह पर सब कुछ फोकस था, अब क्या हो गया है, एनर्जी आपकी डिसिपेट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो हमारी गैलेक्सी है या हमारी जो यूनिवर्स है या जो भी है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होती जा रही है बट विद इन अ कंटेन बाउंड्री. एंड उसके बाद ये है आपके पास के अनदर फन फैक्ट अबाउट बिग बैंग थ्योरी. वो इसके थे वो साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेड हॉयल. उसने मजाक मजाक में कहा जी इट्स लाइक सम बिग बैंग, तो ही स्टार्टेड कॉलिंग इट अ बिग बैंग. तो वहां से इस थ्योरी का नाम बिग बैंग थ्योरी पड़ गया. बट इसका असली नाम इज नॉट द बिग बैंग थ्योरी, इट इज कॉल्ड द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है? दिस वॉज फ्रॉम यूनिवर्स का टॉपिक. यू गाइज माइट बी वंडरिंग के अच्छा अब आगे क्या होगा, क्या ये यूनिवर्स एक्सपैंड होती रहेगी, या किस तरह से आगे प्लैनेट्स का या मिल्की वे या जो भी इसका क्या होगा. तो यू गाइज कैन ऑलवेज सर्च इट अप, एंड जब हमारे फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट होंगे तो आई आंसर दैट क्वेश्चन एंड यू गाइज कैन टेल मी कि आप लोगों ने क्या रिसर्च किया है. क्योंकि सीएसएस इज ऑल अबाउट कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपने रिसर्च कितना किया हुआ है. क्योंकि जो आपकी पेट बुक्स हैं वो तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आपको डिस्टिंक्ट क्या चीज़ करती है कि आपने एक्स्ट्रा कितनी चीजें जो हैं वो सीखी हुई हैं, या उससे रिलेटिव जो है वो एक्स्ट्रा आपके पास कितना नॉलेज है. आपका आंसर बाकी सबसे किस तरह से डिफरेंट है? यूं तो हजारों लोग ही पेपर दे रहे होते हैं, ठीक हो गया. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लैनेट्स एंड फीचर्स, ठीक है? अब प्लैनेट आपके पास जब हम बोलते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम में आपके पास कुछ भी होगा तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन का पूछेगा. डेफिनेशन क्या है प्लैनेट की? इट्स अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड अ स्टार बट नॉट अ सैटेलाइट, ठीक है?
सैटेलाइट नहीं है ये, इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अ स्टार. सैटेलाइट और आपके पास प्लैनेट में क्या डिफरेंस है कि जो सैटेलाइट है इट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, और जो प्लैनेट है इट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार. हमारा जो हमारी जो गैलेक्सी है उसका स्टार जो है वो सन है, ठीक है. हमारा स्टार है सन और उसके अराउंड हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब इसके अंदर अगर हम क्वेश्चंस के लिहाज से बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होता है उसके अंदर आते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ सन आ गए. अब फिजिकल फीचर्स ऑफ सन में जिस तरह उस एग्जामिनर ने पूछ लिया कि अच्छा 10 मार्क्स का जिस तरह डायरेक्ट एक 2013 या 14 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि फिजिकल फीचर्स ऑफ सन लिखें, तो उसके अंदर सबसे आप लोगों ने किस तरह की चीजें याद रखनी है. आपके पास आ जाएगा जी डायमीटर आ जाएगा इसका, इसके अंदर आपका मास आ जाएगा, आपका आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सन, या सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ आ जाएगा आपका सन का. उसके बाद आपके पास आ जाएगा इसका टेम्परेचर, ठीक है. आपके पास आ जाएगी इसकी डेंसिटी, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, एक्सेट्रा. अब इफ यू टॉक अबाउट दीज स्टैट्स, ये जो है उस आप लोगों को क्रैम ही करने पड़ेंगे. मेन मेन जो है वो आप क्रैम कर सकते हैं, और ये जो भी आपकी बुक हम रिकमेंड करेंगे उसके अंदर टेबल्स में मेंशन भी हैं. अब जिस तरह के अब आपके अगर आप डायमीटर की बात कर लेते हैं, डायमीटर फॉर एग्जांपल आपके सन का जो है वो 18,70,000 माइल्स है. उसी तरह आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है दैट इज 50 मिलियन किलोमीटर्स. उसके बाद अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो आपका जो कोर का टेम्परेचर है दैट इज 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. और जो अगर आप सरफेस की बात करें तो वो आपका आ जाएगा 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा सरफेस का टेम्परेचर. डेंसिटी जो है वो आ जाएगी आपके पास 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. इसी तरह अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो सन है आपका वो गैसेस से बना हुआ है. गैसेस कौन सी हैं हमारे पास इसके अंदर, जिस तरह के से हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और गैसेस हैं. तो इसी तरह जो सन की अपनी कॉम्पोजिशन है व्हाट इट इज मेड ऑफ इज 74% हाइड्रोजन, ठीक हो गया. 24% आपके पास हीलियम है और 2% इसमें बाकी हेवी मेटल्स हैं, ठीक है. ये आपके पास कुछ फीचर्स आ गए. इसी तरह और बाकी जो स्टैट्स हैं वो आप लोग याद कर सकते हैं. आई इनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो है वो नोट्स जरूर बनाएं अपने हाथ से. जब आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को जो है वो चीजें याद भी रहेंगी और आप लोगों को बाद में भी याद करने में आसानी होगी, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास सन तो हो गया हमारा स्टार. उसके बाद हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं. प्लैनेट्स हमारे किस तरह से है कि जो हमारा सन है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. और मैंने अपने टाइम में जिस तरह से याद किया था वो यूं था, या एक्रोनिम कह लें जो भी इसका है, वो इस तरह से है एम वेम जे सन एंड पी, ठीक है. ये हमारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है. अब इन प्लैनेट्स के भी फिजिकल फीचर्स आते हैं एग्जाम में. उनको याद करने का तरीका, आसान तरीका एक है कि आप पहले चार प्लैनेट्स और आखिरी जो चार प्लैनेट्स हैं उनको डिवाइड करने. खैर आई विल टॉक लेटर अबाउट द प्लूटो विच इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, और ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है और क्या होता है विल टॉक अबाउट इट लेटर. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. अगर हम लोग बाकी इन 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हम पहले 4 प्लैनेट्स का जो है वो एक ग्रुप बना लेते हैं और जो आखिरी 4 प्लैनेट्स हैं उनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं. अब जो हमारे क्योंकि पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और आखिरी 4 प्लैनेट्स की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं, इनको जो है वो हम कहते हैं इंटीरियर प्लैनेट्स और इनको हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स. ये जो अंदर वाले 4 इंटीरियर प्लैनेट्स हैं इनको हम लोग इंफीरियर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. अब आपके पास टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है? टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि इनकी जो लैंड फीचर्स हैं वो काफी प्रोमिनेंट हैं. फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो है आपको माउंटेन्स मिलेंगी, इसके ऊपर आपको जो है वो वाटर मिलेगा. जैसे हमारा अपना प्लैनेट आ जाता है इसमें एग्जांपल अर्थ की, उस तरह मार्स से भी हमारे पास कुछ स्टडीज हैं कि इसके जो है वो
फीचर्स जो है वो काफी प्रोमिनेंट है. सिमिलरली अगर हम लोग आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं तो इनको हम कहते इनका दूसरा नाम है जूवियन प्लैनेट्स, और जिसके अंदर जूवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक. ये प्लैनेट जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपके इंटीरियर प्लैनेट्स. और इनके अराउंड जो है वो रिंग्स हैं. अगर हम इसकी जिस तरह से उसमें माउंटेन्स ऑफ वाटर है, अगर इसकी हम बात करें तो दीज आर सराउंडेड बाय थिक लेयर्स ऑफ गैसेस, ठीक है. थिक लेयर्स ऑफ गैसेस में आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज हैं, ठीक है, इनको हम गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं. उसके बाद एक और, अगर हम ये इसका डिफरेंस भी आ सकता है प्लैनेट्स के दरमियान में, या वैसे भी फीचर्स याद करने के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो और इसके बाद क्या आ जाता है कि जो आपके अंदर वाले प्लैनेट्स हैं इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर डेंसिटी, जिसके अंदर आपके पास अर्थ और मार्स की ग्रेविटी सबसे ज्यादा, डेंसिटी सबसे ज्यादा, इनफैक्ट सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो हमारे अपने अर्थ की ही है, 5.71 या इस तरह करके कुछ है, वो आप एग्जैक्ट फिगर याद कर सकते हैं फ्रॉम द बुक. और जो आखिरी चार हैं हमारे पास उनकी लो डेंसिटी है, ठीक है. लो डेंसिटी इसमें अगर हम लोग सैटर्न को देखते हैं तो इसकी जो आपके पास डेंसिटी है दैट इज 0.71. दैट इज सो लो कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा कोई सी है या समंदर है उसके अंदर हम इसको सैटर्न को रखेंगे ना तो इट विल फ्लोट. अब हमारे पास हर जो चीज होती है ना उसकी डिफरेंट डेंसिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज 1, और वाटर की डेंसिटी को जो है वो हम लोग रखते हैं, आई विल आंसर द क्वेश्चंस लेटर, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करते जाएं. जो हमारे पास वाटर है जिसमें उसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. हर चीज की जो डेंसिटी है वो हम सॉर्ट ऑफ एक वाटर को हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ, वाटर से हम लोग कंपेयर करते हैं उसको, ठीक हो गया. अब 1 से ज्यादा बड़ी जिनकी डेंसिटी है उनको हम लोग हैवियर ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं, और जो 1 से कम जिनकी डेंसिटी है उनको हम लाइटर ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया. उसके बाद जो हमारे पास आउटर प्लैनेट्स हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, दे हैव बेल्ट्स या शीट्स या रिंग्स कह लें या डेब्री कह लें, ठीक है, सराउंडेड सराउंडेड बाय दीज थिंग्स ऑफ प्लैनेट्स. जिस तरह अगर हम लोग सैटर्न की बात करते हैं इसको हम रिंग प्लैनेट कहते हैं. ये हम जो है वो क्वेश्चन भी आता है अक्सर कि विच प्लैनेट इज द रिंग प्लैनेट, तो वैसे तो इन सबके अराउंड रिंग्स हैं, इन सब आखिरी को हम लोग रिंग प्लैनेट्स कहते हैं, बट आप लोगों ने सैटर्न को सिलेक्ट करना है. इसके अराउंड जो डेब्री है वो कहाँ से आया, तो एक थ्योरी ये है कि जो इनके अराउंड सन्स थे दे कलाइडेड एंड दे टर्न इंटू स्मॉलर डेब्री, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग इनका आपस में कंपैरिजन, और इसी तरह जो ये हमारे पास इंटीरियर प्लैनेट्स हैं दे हैव नो मून्स, नो मून्स या वेरी लेस मून्स. जिस तरह कि हमारे पास जो मरकरी है उसका कोई मून नहीं है, हमारे पास वीनस का कोई मून नहीं है, अर्थ का हमारे पास एक मून है, और जो हमारे पास मार्स है उसके पास 2 मून्स हैं. बट कंपैरेटिवली अगर हम लोग इधर बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की, तो जुपिटर फॉर एग्जांपल हमारे पास 64 मून्स हैं, सैटर्न के 62 हैं, और हमारे पास यूरेनस के जो हैं वो 27 मून्स हैं, ठीक हो गया. अगर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि अब किसी ने ये भी क्वेश्चन आई थिंक कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी क्यों ज्यादा है. एक तो अंदर वाले प्लैनेट्स की डेंसिटी भी ज्यादा है, और दूसरा इनकी रेवोल्यूशन भी, एग्जैक्टली जो उनके जो रेवोल्यूशन या उनकी जो स्पिन है वो भी ज्यादा है. वो क्यों है, बिकॉज सिंस दे आर क्लोजर टू द सन, ये जो है वो सिंस आपको पता है कि ये इस तरह से कुछ इनका पाथ बनता है सारे प्लैनेट्स का अराउंड द सन. तो क्या होता है कि ये वाले जो पहले वाले 4 प्लैनेट्स हैं दे आर क्लोजर टू द सन एज कम्पेयर टू द लास्ट 4 प्लैनेट्स. तो इनके ऊपर जो सन के ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज्यादा है, एंड टू कैटर दैट पुल कि वो सन के अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहे और सन के अंदर ही जाके ना गिर जाए, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, उनकी स्पिन, उनकी रेवोल्यूशन स्पिन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है. उसके बाद कुछ जो फैक्ट्स हैं जो MCQs में पूछे जा सकते हैं वो ये है कि आपका रेड प्लैनेट कौन सा है. तो जो आपका रेड प्लैनेट है ना वो मार्स है. क्यों है, क्योंकि मार्स के अंदर मार्स ऐसे मटेरियल से बना हुआ है दैट गिव ऑफ अ रेड कलर. सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था आपकी अर्थ की हो गई,
उसके बाद आ जाता है कि आपका रिंग प्लैनेट कौन सा है. अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा तो रिंग प्लैनेट आपका सैटर्न है, ठीक है. उसके बाद अगर कोई पूछता है कि कूलेस्ट प्लैनेट कौन सा, तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा दूर होगा दैट इज नेपच्यून, वो आपका कूलेस्ट प्लैनेट होगा. हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अब लॉट ऑफ यू माइट थिंक इट्स मरकरी बट इट्स नॉट मरकरी. आपका जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो आपका वीनस है, ठीक है. वीनस आपका हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, इसकी रीजन ये है कि जो आपका वीनस है दैट इज सराउंड गुड. वीनस आपका जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट इस वजह से है क्योंकि वीनस इज सराउंडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जैसे हम कहते हैं कि अर्थ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है, सो अर्थ का टेम्परेचर भी जो है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है. इसी तरह जो वीनस है सिंस इट्स सराउंडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, तो सन की जितनी भी रेज आ रही है आपके पास वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और अपने अंदर जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो हीटअप होता रहेगा ज्यादा. तो इस वजह से जो वीनस है उसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू मर्करी आपके पास ज्यादा है. मर्करी का जो है वो कोई एसच एटमोसफेयर नहीं है, कोई एटमोसफेयर के ट्रेसेस नहीं पाए गए. तो ये जो है एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा याद करने का प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज का तरीका है. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी आ जाता है, नहीं जुपिटर की मैक्सिमम ग्रेविटी नहीं है, मैक्सिमम ग्रेविटी जो है वो आपकी अर्थ की है. जो आपके पास आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटीज जो है वो कम है. अच्छा सॉरी सॉरी, आपने ग्रेविटी का पूछा नॉट डेंसिटी. आई कम टू दैट इन द एंड से. अच्छा आई वाज डिस्कसिंग कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती है मरकरी की, लेट्स से. अब 10 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट 10 पॉइंट्स लिखने हैं और आपके फुल मार्क्स हैं ये. बेहतर ये है कि आप एक दो जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा लिखें सो दैट आपके 10 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाएं. अब मरकरी के ऊपर अगर हम आते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया, पहली बात तो ये हो गई मरकरी का कोई भी एनवायरमेंट नहीं है, मरकरी पे कोई एयर नहीं है, ये वन हो गया. उसके बाद हमें पता है कि जी ये एक इंटीरियर प्लैनेट है और इसको एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं. फिर हम कह सकते हैं कि जी इसके अंदर इट हैज ग्रेटर डेंसिटी. डेंसिटी की अगर वैल्यू आपको नहीं भी आ तो कह दें आपके पास ग्रेटर डेंसिटी है एज कम्पेयर टू द सुपीरियर प्लैनेट्स. उसके बाद आपको आप ये लिख सकते हैं कि जी कोई भी रिंग्स नहीं है इसके, इट हैज जीरो रिंग्स. फिर आप लिख सकते हैं कि इट हैज जीरो मून्स, ठीक है. इस तरह से करके आप इस अपनी प्रॉपर्टीज को पूरा कर सकते हैं. अनदर थिंग, अक्सर एक और भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि आपका मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है, तो वो भी जो है आपका वीनस ही है. क्यों? क्योंकि देन अगेन इट्स वेरी ब्राइट, क्योंकि हीटेड अप है, ठीक है. तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों जो है वो आपके वीनस ही है. अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपका प्लूटो है, अब उसको आप एक प्लैनेट क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, या व्हाई इज इट कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट नाउ. प्लैनेट की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो उसके अंदर आपके पास चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, चार इंपॉर्टेंट उसकी जो फीचर्स हैं प्लैनेट के. एक सेकेंड. अच्छा, अब इसके चार इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं. पहली बात ये है दैट इट शुड रिवॉल्व अराउंड सन और स्टार. रिवॉल्व अराउंड स्टार, ठीक है. सेकेंड इसका फीचर आ जाता है कि ये जो है वो कोई सैटेलाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट आपकी क्या है वो एक प्लैनेट को सराउंड करती है. फॉर एग्जांपल मून जो है वो आपकी एक नेचुरल सैटेलाइट है. हमने और टेलीस्कोप्स वगैरह भेजी हुई है टू यू नो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो वो आपकी जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आ जाता है. इसका मतलब सेकंड पॉइंट हो गया शुड नॉट बी अ सैटेलाइट, ठीक है. उसके बाद आ जाता है कि इसका इतना मास होना चाहिए, इट शुड हैव अ सफिशिएंट मास सो दैट इट हैज डिसेंट इट्स हैड द रेगुलर शेप, ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल इसको स्फेरिकल होना चाहिए. एंड थर्ड आ जाता है शेप, इसकी जो मास है वो सफिशिएंट होना चाहिए. एंड फोर्थ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर ये अपने ऑर्बिट में जा रहा है तो इसके ऑर्बिट में जितनी भी अगर कोई चीजें आ रही हैं या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए टू बिगिन विद, लेकिन अगर कुछ आ रहा है तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी होनी चाहिए कि इस जो भी
चीजें हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू हो जाए, इसकी सैटेलाइट बन जाए. तो इस जगह पे जो आपका प्लूटो है वो डिस्टिंग्विश होता है फ्रॉम बीइंग अ प्लैनेट, और ये इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास. अच्छा, एक और चीज इसमें आ जाती है इम्पोर्टेंट, कि जो नेपच्यून के बाद हमारे पास जो एरिया है ना, इसके बाद जो भी हमारे पास एरिया है इसको हम ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट कहते हैं या कनाइपर बेल्ट कहते हैं, KNIPER करके इसका नाम है. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अननोन है, और उन पार्टिकल्स पे जो प्लूटो है उसकी उस तरह से ग्रिप नहीं है, तो इस वजह से हम लोग प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. उसके अलावा ये कि सिर्फ प्लूटो ही हमारा ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर आपका एरीज आ जाता है, सीरीज आ जाता है, माकी माकी आ जाता है. 4 से 5 नाम आप देख लें, आप अगर ड्वार्फ प्लैनेट के ऊपर आ जाता है आपका क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं, लेकिन टॉप ऑफ माई माइंड अभी है एरीज, सीरीज और माकी माकी. ठीक हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं. Since I mentioned satellites, तो हमारी जो satellite है या हमारा जो moon है वो एक है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, जो अर्थ के अराउंड हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है, वैसे तो हम मून कहते हैं, हम बाकी भी कहते हैं चलिए जुपिटर पे भी मून है, हमारे पास मार्स पे भी दो मून है, लेकिन हमारे नेपच्यून का अपना नाम क्या है? इफ यू गाइस नो द आंसर तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. हमारे मून का नाम है लूना. ठीक है, लूना इज लैटिन टर्म. और मून के भी अगर हम फिजिकल फीचर्स पे आ जाते हैं तो मून के फिजिकल फीचर्स क्या हैं, कि हमारी जो मून है वो उसकी जो ग्रेविटी है दैट इज 1/6 टू दैट ऑफ द अर्थ. ठीक हो गया, इसकी ग्रेविटी है 1/6 ऑफ अर्थ. अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो मून की इटसेल्फ या जो सैटेलाइट है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. दैट इज वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अ स्टार एंड अ सैटेलाइट इज वेल, कि स्टार की अपनी लाइट होती है, सैटेलाइट की अपनी कोई लाइट नहीं होती. हेंस हमारे भी मून की अपनी लाइट नहीं है. लेकिन यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि रात के वक्त या जब भी होता है हमें मून क्यों नजर आ रहा होता है. एक्चुअली ये होता है कि जो सन की जो लाइट है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो हेंस हमें एक एज अ लाइटेड ऑब्जेक्ट वो नजर आता है. ठीक है, अब ये जिसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है ये अर्थ को कितनी देर में पहुंचती है? इट टेक्स अराउंड 1.3 सेकंड्स फॉर द लाइट टू रीच अर्थ. और इसके साइज के बारे में अगर बात कर लें तो इसका जो साइज है दैट इज 1/4 द साइज ऑफ अर्थ. ठीक है, ये कुछ मोटे मोटे मून के फिजिकल फीचर्स भी हमने कवर कर लिए. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा एक, that is asteroids या meteoroids. अब asteroids और meteoroids हमारे पास जो होता है these are also आपकी bodies हैं जो sun के around जो है वो revolve कर रही हैं. ठीक है, asteroids और meteoroids में major difference क्या है? पहली तो इनकी अगर हम properties से बात करें तो both revolves around sun. ठीक है, asteroids और meteoroids में जो major difference आता है आपका वो आपके पास size का है. ठीक है, जो आपके पास asteroids हैं those are less than 1,000 kilometers, और जो meteoroids हैं वो आपके पास 1 kilometer की range के अंदर अंदर होते हैं. ठीक है, जो आपके पास asteroids हैं एस्टेरॉइड्स उनको आप कहते माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं. ठीक है, और दे यूजुअली हैव लाइक इररेगुलर शेप्स. ठीक है, एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स जो भी हैं बाकी एस्टेरॉइड्स हैं उनकी प्लैनेट लाइक प्रॉपर्टीज है, लेकिन इनका साइज सिंस 1,000 kilometer से कम है तो इस वजह से हम माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं. अब हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे है, तो वो हमारे मार्स और जुपिटर के दरमियान में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, एंड वैसे अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी सेम है. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, आपके पास एक और छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज अ कॉमेट.
आप लोगों ने या ये साइन या ये इमोजी या ये कहीं पे देखा ही होगा। तो कॉमेट को उर्दू में कहते हैं दुमदार सितारा, दो इसके लिटरल डेफिनेशन है, बट इट इज नॉट अ स्टार। ठीक है, नॉट अ स्टार। अगर ये स्टार नहीं है तो ये क्या है? साइंटिस्ट हैं, दे यूजुअली कॉल कॉमेट्स अ डर्टी स्नोबॉल। ठीक है, और क्या होता है? ये गैसेस और पार्टिकल से बना हुआ होता है। और इसका जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा इसेंट्रिक ऑर्बिट होता है। इसेंट्रिक ऑर्बिट का मतलब है कि थोड़ा सा इस तरह से होता है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता। ये आपका इसेंट्रिक है और ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है। अगर तो आपका ऑर्बिट बिल्कुल सर्कुलर है तो उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो आपके पास जीरो होती है। लेकिन यूजली इनके इसेंट्रिक होते हैं ऑर्बिट जो भी है। अब इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है यूजली जो आपके एग्जामिनर पूछते हैं, वो होता है कि टेल क्यों बनती है इसकी। टेल जब ये फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड आपका, यहाँ पे सेंटर में फॉर एग्जाम्पल आपका सन है, इसके अराउंड आपका जो कॉमेट है वो रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में। जब ये सन के इस जगह से, अगर हम इन क्वेश्चन से देखें तो ये सन के करीब होगा, यहाँ से दूर होगा। जब ये सन के करीब आएगा तो जो इसके अंदर की गैसेस हैं दे स्टार्ट टू बर्न। जब गैसेस बर्न होंगी तो आपके पास एक टेल फॉर्म होगी। लेकिन ये जो टेल बन रही है दिस इज नॉट ड्यू टू द हीट। एक्चुअली सन के सन से आपके पास जो है वो एक सोलर विंड रिलीज हो रही होती है। और ये जो सोलर विंड होती है ये क्या होता है? दीज आर चार्ज पार्टिकल स्ट्रीम। ठीक हो गया। और जब ये चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम इंटरेक्शन करती है विद द कॉमेट तो इसकी जो है वो एक टेल डेवलप हो जाती है। ठीक है, कॉमेट जो है वो यूजुअली एक ऐसा टॉपिक है जो आ जाता है क्योंकि थोड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, तो एग्जामिनर यूजुअली इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा ही, दैट इज कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन इज एक, आपको कोई भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टार्स हैं और लेट्स से हम लोग इमेजिन करते हैं अच्छा इसकी कोई भी शेप बन रही है या कुछ भी बन रहा है, तो जो हम लोग पैटर्न्स ऑफ स्टार्स बनाते हैं इन द स्काई उनको कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ये जब ये कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे पास इन द पास्ट वो ग्रीक साइंटिस्ट जो थे या ग्रीक जो लोग थे वो क्या करते थे कि उन्होंने फिगर्स जो थी वो स्काई में डिटरमिन कर ली थी, अच्छा ये फलानी कॉन्स्टिलेशन है, ये फलानी कॉन्स्टिलेशन है, और उसके अकॉर्डिंग जो थी वो ट्रेवल करते थे। यूजली जो सी के अंदर भी नेविगेशन होती थी दे इसमें कॉन्स्टिलेशन को यूज करते थे, वो बिफोर रेडार से जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है उससे पहले। इसकी एक जो एग्जाम्पल है दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा इज लाइक स्नेक शेप फिगर इन द स्काई जिसको आप कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यूजुअली आता भी है एग्जाम्स में, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, एंड वन ऑफ दोज टॉपिक्स कैन बी इक्लिप्सिस। ठीक है, अब इक्लिप्सिस की अगर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो डेफिनेशन आपकी है कि ऑब्सक्योरिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी टू अनदर, या व्हेन वन हेवनली बॉडी ऑब्सक्योर्स अनदर हेवनली बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या है इक्लिप्सिस में आपके पास दो टाइप्स के मेजर इक्लिप्सिस हैं। एक आ जाता है हमारे पास सोलर इक्लिप्स और दूसरी साइड पे आ जाता है हमारे पास लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स में अक्सर लोग डिफरेंस भूल जाते हैं। इसको आपने इस तरह से याद करना है कि जैसे सोलर है, अगर सन है तो उसके अंदर सन और सोल लैटिन गेट्स डार्कर, और अगर आपका लूनर इक्लिप्स है तो उसके अंदर जो आपका मून है मून गेट्स डार्कर। मतलब जो सा भी इक्लिप्स है जिसने सन सोलर है तो सन गेट्स डार्कर, और अगर आपका लूनर इक्लिप्स है तो आपका मून गेट्स डार्कर। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप दोबारा से रिपीट इट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सन कवर हो गया है अर्थ पे बैठे हुए विद मून, तो ये आपका सोलर इक्लिप्स है. अगर आपका मून कवर हो गया है अर्थ की वजह से, उसको सन की लाइट नहीं मिल रही, तो ये आपका ल्यूनर इक्लिप्स है. ठीक है, इसके अंदर हम लोग दोबारा देख सकते हैं, इसके अंदर सन इज इक्लिप्स्ड और इसके अंदर आपका मून इज इक्लिप्स्ड. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि आपका मून इन केस ऑफ द सोलर इक्लिप्स, आई ड्रॉ इट इज वेल, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून आ गया है बीच में. ठीक हो गया. ऑन द अदर हैंड अगर हम लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं, तो सन हमारा वहीं पे रहा, सिंस सन तो हमारा स्टार है, उसके अराउंड हम रिवॉल्व कर रहे हैं. अब बीच में अर्थ है और एंड पे हमारा मून रह गया, मून को जो है वो सन की लाइट नहीं मिल रही. अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक और इसकी याद करने का खैर तरीका कह सकते हैं, जो जुगाड़ कह सकते हैं, वो ये है कि इसको आप याद रखें एस एम ई स्मी और इसका है एस ई एम सेम. ठीक है, स्मी सोलर, स्मी लूनर, सेम. ठीक है, अब क्या होता है कि सिंस साइंस है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि इसके अंदर आप लोग डायग्राम्स ड्रॉ करें. डायग्राम्स ड्रॉ करना फॉर दिस क्वेश्चन या फॉर दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक के लिए नहीं, साइंस का कोई भी टॉपिक है, डायग्राम आपने ड्रॉ करनी ही करनी है अगर वहाँ पे फिट हो रही है. ठीक है, अब लेकिन इस डायग्राम में अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, तो आई विल टीच यू द डायग्राम. सबसे पहले तो सोलर पे आ जाते हैं. सोलर पे हमने पहले ड्रॉ किया स्मी, पहले सन ड्रॉ किया, फिर मून ड्रॉ किया, फिर अर्थ ड्रॉ कर दिया. अब आपने चार लाइनें लगानी है. सिंस आपको पता है कि सन से रेज आ रही हैं अर्थ पे जा रही हैं, तो ये दो लाइनें ऐसे लग गई. ठीक है, और दो हम ऐसे क्रॉस करके लगा देंगे, ये आ गए आपकी सन की रेज. अब दो रीजन्स आपके पास फॉर्म हो रहे होंगे अर्थ के ऊपर जो लाइट आ रही है उसके. एक जो है हमारे पास रीजन वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मून ने सन को कम्प्लीटली कवर कर दिया है. और दो आपके पास ऐसे रीजन होंगे जो पार्शली डार्क होंगे, वो ये रीजन हो जाएगा. अब जो हमारे पास ये कम्प्लीटली डार्क रीजन होता है, इसको हम कहते हैं अम्ब्रा. अम्ब्रा मीन्स डार्क. और जो हमारे पास ये पार्शली डार्क आपके पास रीजन आ जाएगा, इसको हम कहते हैं पेनम्ब्रा. ठीक हो गया, ये आपके पास दो मेन रीजन्स आ गए. अब जो हमारे पास सोलर इक्लिप्स है उसकी हमारे पास चार टाइप्स हैं. वो आपके पास चार टाइप्स क्या हैं? हमारे पास होता है टोटल, पार्शल, पेनम्ब्रल और एनुलर. अब टोटल इक्लिप्स क्या होगा? अब आपके पास अर्थ पे जो इस रीजन में लोग होंगे, इस वाले पोर्शन में, उनको बिल्कुल ही सन नहीं नजर आएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका टोटल इक्लिप्स हो जाएगा. जो यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में जो लोग हैं, वहां पे पार्शली लाइट आ रही होगी, ब्लॉक्ड है बट पार्शली आ रही है यहाँ वाली जो रीजन, तो इसको जो है वो हम पार्शल सोलर इक्लिप्स बोलेंगे. अब हमारे पास पेनम्ब्रल सोलर इक्लिप्स जो है, जो आपके पास ये वाले रीजन में जो लोग हैं उनके पास जो आपके पास सोलर इक्लिप्स आ रहे हैं, दैट इज पेनम्ब्रल. पार्शियल आपके पास तब होगा कि जब आपके पास इस रीजन में ये वाला जो रीजन है, मतलब कुछ पोर्शन डार्क है और कुछ पोर्शन जो है वो लाइट है. फॉर एग्जांपल अभी मून जो है वो सिंस यू ऑर्बिट में आता है ना, कम्प्लीटली आया नहीं है, उसने कम्प्लीटली डार्क नहीं किया. इसमें अंदर आपके पास 1 to 99% इक्लिप्स हो जाता है. ठीक है, पूरा इक्लिप्स नहीं होगा, पूरा इक्लिप्स सिर्फ तब होगा जब आप इस अम्ब्रा रीजन के अंदर है. ठीक है, और एनुलर आपके पास तब होता है कि सिंस आपको पता है कि, या अगर नहीं भी पता, तो जो आपके पास अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन, दैट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, या बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है एंड इट इज अ लिटिल एलिप्टिकल. ठीक है, इस तरह नहीं है, इस तरह है. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है. तो एक ऐसी फॉर्मेशन जब बनेगी कि बिल्कुल जब यूं सन आया होगा आपका, सॉरी सन को हम येलो ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका सन है और मून इसके आगे
इस तरीके से आएगा कि बिल्कुल हल्की सी रिंग जो है लाइट का वो आपको साइड से नजर आ रहा है, तो इस टाइप के जो आपके पास इक्लिप्स होगा उसको हम लोग एनुलर इक्लिप्स कहते हैं। जो हमारे पास लूनर अगर हम इक्लिप्स की बात करते हैं, लूनर इक्लिप्स की जो टाइप्स हैं जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपके पास एनुलर इक्लिप्स नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ आपके पास टोटल, पार्शल और पेनम्ब्रल इक्लिप्स होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी लाइन्स ड्रॉ कर लें तो सिमिलरली पहले आपने दो लाइंस ऐसे ड्रॉ की और दो इस तरह से ड्रॉ करके। अब इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करें कि जब ये वाला हमने लाइंस ड्रॉ की तो ये पूरी की पूरी जो सन की लाइट थी वो ब्लॉक हो गई, सिंस आपके पास अर्थ का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू योर मून, तो जब भी आपके पास लूनर इक्लिप्स होगा तो पूरा का पूरा मून कवर हो जाता है अगर वो इस रीजन में है। अब सिंस ये एक अपने ऑर्बिट में है, अगर इधर आ गया जब इस पोजीशन में होगा या इस पोजीशन में होगा तो इतना पार्ट जो है इसका इक्लिप्स में होगा और बाकी जो आपका पोर्शन है वो उसकी पार्शियल लाइट होगी। ये आपका देन अगेन जिस तरह हमने सोलर इक्लिप्स में पढ़ा था उसी तरह आपके पास लूनर इक्लिप्स में देयर विल बी एन अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अब ये वाला जो आपके पास एरिया है फुली डार्क इसको हम कह देंगे अम्ब्रा और ये जो आपके पास पार्शली डार्क एरिया है इसको आप कहेंगे पेनम्ब्रा। इधर फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास आ गया मून तो यहाँ पे ये पेनम्ब्रल रीजन में एंटर हो गया है, ठीक है। टाइप्स की दोबारा से हम बात करेंगे, लाइक आई टोल्ड यू कि इसके अंदर कोई एनुलर तो होगा नहीं क्योंकि अर्थ बड़ा है मून को पूरी तरह कवर करेगा वो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपको अगर पूरा कवर किया हुआ तो पीछे से सन नजर आए। एनुलर में क्या था कि अगर मून ने पूरे तरीके से अर्थ को कवर किया हुआ भी है तो पीछे से थोड़ी थोड़ी लाइट, एक रिंग ऑफ लाइट आपको दिख रही थी, इसके अंदर आपको रिंग ऑफ लाइट या जो भी है वो नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग टोटल इक्लिप्स क्या कब होगा, जब इस रीजन में आपके पास मून है इस रीजन में तो ये आपके पास टोटल इक्लिप्स है, जब इस रीजन में है कि आधा पेनम्ब्रल रीजन में है और आधा पूरे रीजन में है तो ये आपके पास पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगा। और इसी तरह जो इस रीजन में अगर आपके पास होगा मून इस रीजन में तो ये आपके पास पेनम्ब्रल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है कि मून के फेजेस, बट यू गाइस हैव टू स्टडी इट ऑन योर ओन, थोड़ी सी खुद भी आप लोग मेहनत करें, ठीक है। जब आपके पास, जब भी थोड़े से और इसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं इक्लिप्सिस के बारे में, जब भी आपके पास लूनर इक्लिप्स होगा तो आपके पास मैक्सिमम टाइड्स होंगी क्योंकि मून आपका बहुत करीब है अर्थ के, तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी ज्यादा हो जाएगी और अपेरेंटली ज्यादा हो जाएगी बिकॉज़ इट कम्स अ लिटिल क्लोजर, तो आपके पास जो टाइड्स हैं इन योर ओशंस या सीज वो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। जो आपके पास सोलर इक्लिप्स है वो कब एग्जिस्ट करता है, न्यू मून फेज में। एक और फैक्ट ये है कि जो आपके पास नंबर ऑफ सोलर इक्लिप्स हैं दोज आर यूजली इक्वल टू नंबर ऑफ लूनर इक्लिप्सिस, और एवरी 100 ईयर्स में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60 लूनर और सोलर इक्लिप्सिस होते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म आती है कि जो आपके पास मून है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है, तो जो मून का ऑर्बिट है, जो अर्थ है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है मून के, थोड़ा सा यूं करके ऑर्बिट है, मतलब जब इस साइड पे आएगा तो मून अपेरेंटली थोड़ा बड़ा दिखेगा, जब इस साइड पे होगा तो मून थोड़ा छोटा दिखेगा। इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले सकते हैं कि आप, आपको दूर से जो माउंटेन्स है वो बहुत छोटी नजर आती है लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो आपको बड़ी नजर आती है, तो ये जो करीब वाला रीजन है इसको आप कहते हैं पेरिग्री और जो दूर वाला रीजन है इसको आप कहते हैं एपोजी, ठीक है। तो जो आपका एनुलर है उसका भी यही केस होता है कि जब आपके पास थोड़ा दूर होगा मून तो वो थोड़ा छोटा नजर आएगा, तो इट विल नॉट मास्क द सन कम्प्लीटली, कम्प्लीटली इसको मास्क नहीं कर रहा होगा, तो जब कम्प्लीटली मास्क नहीं करेगा तो ये इस तरह पे आपके पास रिंग ऑफ लाइट बनी जिसको हम फिर कह देंगे एनुलर इक्लिप्स, ठीक हो गया। उसके बाद एक और ये है कि यूजुअली हमें लूनर इक्लिप्स जो हैं वो ज्यादा नजर आते हैं एज कम्पेयर टू सोलर इक्लिप्स, वो क्यों है, क्योंकि जो आपके पास अर्थ है
उसका साइज बड़ा है, मून का साइज छोटा है, तो जो उसका शेडो कास्ट होगा वो पूरे पूरे मून को कवर करेगा, तो इस वजह से हमें वो विजिबल ज्यादा होगा. एज कम्पेयर टू दैट, जब सोलर इक्लिप्स होगा तो मून छोटा है, तो अर्थ के किसी वही कहीं बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में कहीं कहीं जो है ना वो जहाँ मूव करेगा तो वहां पे आपको सोलर इक्लिप्स नजर आएगा. अच्छा, नेक्स्ट, अब आप लोगों का ये वाला जो टॉपिक था एस्ट्रोनॉमी का वो कवर हो गया, तो एक हम लोग थोड़ा सा जनरल एबिलिटी का भी पोर्शन कवर कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि जनरल एबिलिटी, ये अभी तक जो हमने पढ़ा था ये जनरल साइंस का पोर्शन था, अब आगे हमारे पास आगे जनरल एबिलिटी का पोर्शन. जनरल एबिलिटी के पोर्शन में जो अभी हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे दैट वुड बी नंबर्स. नंबर्स वैसे इट्स अ फेयरली सिंपल टॉपिक एंड मोस्टली लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी छोटी सी नंबर्स में आपके पास टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट आपके पास आ गया नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे अदर देन 0, 1, 2, 3 अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. सेकेंड आपके पास आ जाता है होल नंबर्स. होल नंबर्स में आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं प्लस 0 अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. उसके बाद जो आपके पास इंटीजर्स हैं उसके अंदर आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों आ जाएंगे. मूविंग ऑन, आपके पास जो ऑड नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब उसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. ये आपके पास आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. इवन नंबर्स की बात कर लें तो इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स हैं दोज आर डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 अप टू सो ऑन. अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 2, 3, 5, 7 फॉर एग्जाम्पल, एक तो वो 1 होगा और एक वो अपना फैक्टर जो है वो खुद होगा. जैसे आप 3 को ले लें, एक 1 है एक 3 है, और किसी के टेबल में आपको 2 या 3 नहीं मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाता है फैक्टर्स इन मल्टीपल्स. ठीक है, अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में पहले अगर हम फैक्टर्स मल्टीपल्स की बात कर लें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो हमारे पास आता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6. अब ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर को 1, 2, 3 एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर उसका मल्टीपल दे देगा आपको. अगर एनी नंबर्स को फॉर एग्जांपल मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाएंगे. मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 बन जाएंगे अप टू सो ऑन. इफ वी कम टू फैक्टर्स, तो फैक्टर्स आर ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर नंबर्स इनटू स्मॉलर नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 लिखती हूँ तो 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ, मतलब इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर फैक्टर्स में. इसी तरह अगर मैं 6 लिखती हूँ तो 6 कैन बी 3 into 2 और 2 into 3, ये इसके स्मॉलर फैक्टर्स बन गए. अब क्या होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 4 लिया, 4 का एक मल्टीपल है मेरे पास 2, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 2, 2 4 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास हमेशा 0 आएगा. तो दिस वाज द टॉपिक फ्रॉम जनरल एबिलिटी आपका, एंड वी हैव कवर्ड स्मॉल टॉपिक फ्रॉम जनरल साइंस एंड एक थोड़ा सा हमने पोर्शन कवर किया जनरल एबिलिटी का. तो दिस होपफुली आप इस चीज़ ने आपको उनको थोड़ा सा आइडिया दे दिया होगा कि किस तरह से कोर्स पढ़ाया जाएगा या क्या चीज़ें होंगी. अनदर थिंग आई वॉन्ट टू शो यू गाइज इज के
I'll also be sharing आपके लेक्चर नोट्स. मैं एक दो पिक्चर जो हैं वो शेयर कर देती हूँ फॉर रेफरेंस इन द चैट सेक्शन एज वेल. या एनी वे आई अपलोड इट. अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा तो आई अपलोड इट ऑन आवर फेसबुक पेज. इस तरह के कुछ नोट्स हैं जो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइस एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर इफ यू जॉइन द क्लासेस. तो नाउ अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज शूट. रेज हैंड कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, बता सकते हैं या फिर आप चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम. लेकिन मैं एक साल रेलीगेट हो चुका हूँ तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि डिटेल्स में अगर ज्यादा जाएंगे तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आप अच्छा आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक है लेकिन अभी जो आपने आज टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें आपने क्या, डिड यू नो ऑल ऑफ दिस स्टफ ऑलरेडी? जिसने क्वेश्चन पूछा था प्लीज रिप्लाई. आई होप आपको इतनी ज्यादा एस्ट्रोनॉमी तो नहीं पढ़ाई जाती इंजीनियरिंग में. खैर मुझे तो नहीं पढ़ाई गई थी, आपका मुझे पता नहीं है. तो ऐसा है कि इतनी ज्यादा अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा हम लोग जो है ना वो स्किम करेंगे थ्रू द टॉपिक्स और हम लोग टच करेंगे हर चीज को थोड़ा थोड़ा. बाकी ये है कि आपको अगर डिटेल में पढ़ना है ज्यादा तो वो आप लोग खुद भी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यूट्यूब लिंक्स या एक्स्ट्रा जो भी स्टडी के लिए टॉपिक्स के लिए लिंक्स वगैरह वो आई विल शेयर, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं. और बाकी तो जनरल एबिलिटी का ये है कि अब फॉर टुडे आई चूज अ रिलेटिवली सिंपल टॉपिक ताकि सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम कोर्स पढ़ेंगे. आगे जाके इट विल बी अ लिटिल बिट मोर टेक्निकल. आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है. हेलो जी. हाँ मैंने ये पूछना था कि चूंकि आपके नोट्स वगैरह काफी अच्छे थे, आपने बनाए थे और आपने पढ़ाए भी काफी अच्छा है, तो आप हर स्लाइड के एंड पे जो है तो हमें स्टूडेंट्स को वो चांस दे सकती है कि हम उसे स्क्रीनशॉट ले सकें आपके उसके स्लाइड्स की? हाँ आप स्क्रीनशॉट के स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड आई अर्ज यू गाइस कि आप लोग अपने नोट्स जो है वो साथ साथ लाजमी जरूर बनाएं. उसमें यह है कि आपको क्लास में ही जो है वो एक सॉर्ट ऑफ आपकी तैयारी होती जाएगी. अदर देन दैट जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वो मैं एंड पे शेयर भी करूंगी. सैम्पल नोट्स मैं अभी आई विल रिक्वेस्ट माय को होस्ट के जो है फेसबुक पे अपलोड कर दें या अगर अभी यहाँ पे चैट सेक्शन में डाल सकते हैं तो प्लीज डाल दें. ओके थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और इंशाल्लाह मैं दिल लगा के पढ़ूंगा. थैंक यू. Any other questions? मैम ल्यूनर एक्लिप्स का आपने बताया था कि इसमें लाइट स्लो नजर आती है, ये क्वेश्चन मैंने कमेंट ल्यूनर एक्लिप्स का बताया था आपने. ल्यूनर एक्लिप्स में लाइट स्लो, आप क्वेश्चन रिपीट करके, मैंने थोड़ा सा स्लो का तो नहीं मेंशन किया. मतलब स्लो जाती है, इतनी ज्यादा लाइट पास नहीं होती, सिर्फ ये क्वेश्चन था कि ल्यूनर एक्लिप्स में ऐसा क्यों होता है. अच्छा ल्यूनर एक्लिप्स में ऐसा इस वजह से होता है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल पार्टिकल से दे सकती हूँ. फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये आपका अर्थ है और फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना वो आप इमेजिन करें आपका अर्थ है, ठीक है. यहाँ पे जो है वो आपका मून है, मून आपका थोड़ा बड़ा है,
ठीक है, तो मून से जो सॉरी सन से जो आपके पास लाइट आ रही है और ये आपका अर्थ है। अगर आपके पास सन बहुत छोटा सा कोई है, बहुत छोटी सी कोई चीज है, तो जो सन है वो मून की पूरी सन जो मून पे लाइट पड़ी है फ्रॉम द सन, तो अर्थ उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तो इस वजह से आपके पास मून के ऊपर पूरा इक्लिप्स हो, मून के ऊपर बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अर्थ मून की बात करते हो ना, कि मून जब आएगा सन और अर्थ के दरम्यान में, तो सिंस वो बहुत छोटा सा है तो वो थोड़े पोर्शन की लाइट को कवर करेगा। इसके लिए मैंने यूट्यूब की एक लिंक भी शेयर करूंगी, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा इस बात का कि जो सोलर इक्लिप्स है उसमें थोड़ी लाइट को कवर हो रही है और लूनर इक्लिप्स में पूरी की पूरी लाइट को कवर हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड जो आपने पढ़ाई है, काइंडली दोबारा थोड़ा मैम समझा दें, क्योंकि उस वक्त आवाज सही नहीं आ रही थी, थोड़ा काइंडली आप इसको ब्रीफली थोड़ा बता दें। ठीक है ठीक है। अच्छा, जो आपके एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स हैं वो इररेगुलर बॉडीज हैं, ठीक है। प्लैनेट्स की तरह ये भी आपके सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनको हम लोग मिनी प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। स्पेशली जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनको हम प्लैनेटॉइड्स कहेंगे, क्योंकि हैं ये प्लैनेट लाइक ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो 1000 किलोमीटर से कम है। जो आपके पास प्लैनेट्स हैं वो ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ये जो हैं वो छोटे हैं रिलेटिवली। और जो मेटेरॉइड्स हैं वो एस्ट्रॉइड से भी छोटे हैं। जो आपके पास मेटेरॉइड्स हैं वो 1 किलोमीटर तक की रेंज के होते हैं, ठीक है। डिफरेंस मेटेरॉइड और एस्ट्रॉइड में सिर्फ साइज का है, बाकी इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम है, रिवॉल्व भी उतना कर रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लें अभी। या अगर आपका पहले मिस हो गया है, आपने चैट में लिखा था, तो काइंडली दोबारा लिख लें। अच्छा मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जनरल एबिलिटी में जो है तो हम वो पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं पैटर्न्स वगैरह जो होते हैं? हाँ जी, पैटर्न्स वगैरह भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसमें, पैटर्न्स, एज क्वेश्चंस जिस तरह के होते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस वाले थोड़े से क्वेश्चंस वो आएंगे। अच्छा, अगर आपको ज्यादा डिटेल्ड कोर्स देखना है तो CSS फोरम के ऊपर भी डिटेल्ड कोर्स मेंशन है, वो आप जाके देख सकते हैं, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, अनदर थिंग, आप लोगों के पास चैट में एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा फॉर द फीडबैक, तो प्लीज डू लीव योर फीडबैक कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, इंस्ट्रक्टर का स्टाइल वगैरह एंड एवरीथिंग। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है जी, अगर अगर फीडबैक जो है तो बहुत अच्छा नहीं हुआ तो क्लास से निकालेंगे तो? नहीं, फीडबैक आपने अपने इंस्ट्रक्टर का देना है। तो वही ना, तो मतलब अनोनिमस होगा फीडबैक? जी, एनोनिमस होगा। चलो ठीक है, सही है। और कुछ क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, अगर नहीं है क्वेश्चन तो आई रैप अप द सेशन के बाय सेइंग के अगर वैसे तो CSS के बहुत ज्यादा टीचर्स हैं और GSA के भी काफी ज्यादा टीचर्स हैं, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज के आपका कोर्स है और इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको पास करें विद गुड मार्क्स। तो अगर आप जो इंस्ट्रक्टर है उसके पढ़ाने का तरीका या उसकी चीजें आपके साथ अलाइन कर, आपके पढ़ने के तरीके के साथ अलाइन करती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी ये है कि आवर प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लासेस बिकॉज़ इट्स मोर इंटरैक्टिव। आई होप आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा होगा कि बस
टीचर पढ़ाई जा रहा है, गुजरता जा रहा है, आपको हम बीच में हेल्प भी करेंगे, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द क्लासेस बट बाद में भी, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस, नॉट जस्ट आफ्टर द कोर्स ऑफ दिस 2 months बट उसके बाद भी, असेसमेंट अगर आपने कोई करानी है या आपने कोर्स सिलेक्शन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हैं या आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं. एंड आई होप व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया गया होगा तो आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू फेसबुक या हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस. Anyways, thank you so much for joining in. I hope to see you all in the class. Love.